16, yeah, है नहीं 16, yeah. इसमें क्या दिक्कत है 16 भाई? 16 भी वो ना तो कुछ नहीं आ रहा. भी आ रहा है. भी आ रहा है. हाँ तो रेशो आ रहा काफी है ना? रेशो रेशो तो था. रेशो सफिशिएंट नहीं है कि साइड्स मतलब साइड्स पे कमेंट करने में ट्रायंगल बनेगा या नहीं. मेरे वाला लेट्स से फॉर एग्जांपल a से b से c से d से 4 से 5 है मान लो. कैन आई कमेंट कि ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ऑफ कोर्स ना. क्या होता है उसमें? क्या है पहला वाला जो है log a log b log c आर इन ap. तो twice of log b is equal to log a plus log c. तो log of b square is equal to log of ac. b square is equal to ac. ठीक है. नेक्स्ट वाला अगेन log की प्रॉपर्टी से सिंपलीफाई करोगे तो तुम्हें b और c का रेशियो मिल जाएगा. क्या आता है वो? 3 2b = 3c. 2b is equal to 3c. हाँ और पहली इक्वेशन से a square is equal to bc है. सॉरी b square is equal to a. ये तो इधर से एक सीधा लेके आया सब भी देखिए मतलब a by b हमारा 3 by 2. इसके आधार पर कमेंट कर सकता हूँ मतलब ट्रायंगल बनेगा कि नहीं. अगर abc का रेशियो ये हुआ तो ट्रायंगल बनेगा कि नहीं? कैन आई कमेंट? जल्दी बोलो बनेगा ना ट्रायंगल? बनेगा कि नहीं? हाँ क्यों बनेगा? एक्सप्लेन. कैसे लिखेंगे ये? हाँ सोहम ये इन दोनों इक्वेशन से ये कैसे आ जाएगा? a to b to c. मैंने बोला एक तो तुमने गलत रेशियो गलत बोला. तो सोचो ना a to b c to 2 है और तुम्हें 4 to 6 बोला उल्टा क्यों आ रहा है? तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं. हाँ चलो ठीक है एक मिनट के लिए छोड़. मैंने बोला इससे a टू b टू c कैसे निकालेंगे? मैं बोल एक ही क्यों मैंने लिखा है एक ही डॉक्टर या रेशियो निकाले टू बी इज इक्वल टू 3c और 2a इज इक्वल टू 3b. ये दो ही क्वेश्चन है मेरे पास. अब मेरे को a से b से c निकालना है. कैसे बोला? ऐसा फैक्टर सोचो ना कि मतलब 2 और 3 का एलसीएम टाइप है सो दैट द फ्रैक्शन विल बी इन्वॉल्व. इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग लैम्डा व्हाट इज बेटर? 6 लैम्डा. 6 लैम्डा ना क्योंकि लैम्डा कैंसिल हो जाएगा ना डायरेक्टली. कौन का है? नेक्स्ट हो गए बाकी. एटीन करो यार. नाइन्थ 13 तो 15 टॉम एपी का मान लो पहले ए और डी. तो ए वन मान लिया और डी मान लिया कॉमन डिफरेंस. तो उसने नाइन्थ का ए वन प्लस ए डी
और 13 का इवन प्लस 20 और 15वां इवन प्लस 14 तो दिस इज दिस इवन प्लस कैसमेंट इस ए वन और डी में एक रिलेशन आ जाएगा क्या आया क्या आप क्या करें व्हाट एल्स किसी का आया आंसर फाइनली किसी का नहीं आया हाँ क्या ए वो ये नहीं है वो जो ए दिया है वो लैंग्वेज पढ़ो ना दैट इज एक्चुअली जीपी जीपी का हाँ ये हाँ दैट इज हाँ वो करेक्ट लिख रहे हो तो इसमें क्या लिखा है ए इज इक्वल टू लिख रहा हूँ ए प्लस ए टी आर इज इक्वल टू ए टी अब ए को मैं लिख लूंगा ए फर्स्ट सम ऑफ जीपी दिस इज नथिंग बट दिस थिंग तो ए वन प्लस ए टी प्लस ए टी इंटू अब आर को मैं लिख सकता हूँ दिस डिवाइडेड बाय दिस बिकॉज दीज आर द टू कंसोलिडेटेड टर्म्स ऑफ अ जीपी सो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर ए वन प्लस 20 divided by a1 plus 80 is equal to 80. One more election in a. Solve the problem. Solve the
पढ़ना है और जल्दी पास करो। चार वेरिएबल चार मतलब दो एक एपी एक जीपी है। तो जैसे एपी का मैंने ए और डी माना और उधर मैंने माना लेट्स से बी और आर, तो देयर आर फोर इंफॉर्मेशन, तो उनके करस्पोंडिंग फोर इक्वेशन बनेगा। अब उसको सॉल्व करने का कोई यूनिक तरीका नहीं है, वो तो जैसा कर पाओ तुम लोग, ठीक है ना। मतलब दैट इज कोई दिमाग खर्च नहीं करना उसमें, कहने का मेरा मतलब ये है स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें दे रखा है। सी वन विच इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी। सिमिलरली सी टू दे रखा है सी थ्री एंड सी फोर। तो यू विल हैव फोर इक्वेशन एंड फोर वेरिएबल्स। फोर वेरिएबल कैसे बोल रहा हूँ मैं, दो तो ए पी के कारण कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म और दो ए जी पी के कारण कॉमन रेशियो एंड फर्स्ट टर्म। तो फोर वेरिएबल्स फोर इक्वेशन निकालो नोट्स। तो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता कि सम
ये तो करेक्ट तुम अभी लिख रहा हूँ, वन बाय ए प्लस वन अपॉन ए प्लस डी प्लस वन अपॉन ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, वन अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये तो करेक्ट लिखा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू वन अपॉन ये ए प्लस डी, मतलब वो अपना ए पी का सबका फॉल था, मतलब एन बाय टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है तो अभी बोर्ड पे लिखा है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो लाइक ऐसे लिख लो, सम का कोई फॉर्मूला नहीं है, नो फॉर्मूला फॉर सम, फॉर फाइंडिंग द सम देयर इज नो फॉर्मूला, एच पी का सम निकालने के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, नो फॉर्मूला एग्जिस्ट, दिस यू कैन नॉट राइट सम लाइक दिस, वन अपॉन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन का, बहुत लोग की आदत होती है जल्दी जल्दी वो ए पी के टर्म्स को उल्टा करके या फिर ए पी का सम निकालते हैं उसका उल्टा कर देते हैं, टर्म का कर सकते हो, मतलब एपी का टर्म उल्टा कर दोगे तो एचपी का टर्म आ जाएगा, बट ऐसा नहीं कि एपी का सम निकाला उसका उल्टा कर दिया तो एचपी का सम आया, बिल्कुल गलत, कौन सा सम अपॉन प्रोडक्ट ऐसा आएगा ना, देखो अगर मान लो तुम तीन टर्म देते हो उसमें ऐसा आएगा वन अपॉन एपी प्लस वन अपॉन बी, दो दो आएगी, तुम बोल रहे हो सम a plus मैंने तीन टर्म ली upon a b c, मैंने सेपरेट आउट वन अपॉन b c प्लस वन अपॉन a b प्लस वन अपॉन c, इट इज नॉट वन अपॉन a, हमको तो कुछ चाहिए ना वन अपॉन a प्लस वन अपॉन b प्लस वन अपॉन c, और चलो मान लिया एक मिनट के लिए तुमने ऐसे लिख भी दिया है ना, इसका तो फॉर्मूला है हमारे पास a b का, व्हाट अबाउट a प्लस a टू b, हम ये कर जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए बी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इधर आके बोलते हैं इसका फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फिर उसका नहीं आ रहा, हम डायरेक्ट नहीं बोलते हैं क्लियर है, एचपी में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, हम क्वेश्चन देखते हैं डायरेक्टली उसका, जब एचएम पढ़ेंगे तब देखेंगे क्लियरली, देखो फॉर एचपी फॉर द एचपी 1, 2, ... 1, 2, ... find 8th term, fast निकालना एकदम fast, find 8th term, 8वीं अंक, क्या बोले संख्या अंक, 1/8, किस दुनिया में अभी तो थोड़ा तो दिमाग लगाया करो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो टर्म दो दे रखे थी नॉट एपी का टर्म थी टर्म्स ऑफ एचपी, इसका रेसिप्रोकल करोगे वो एपी का टर्म देगा, फिर उस एपी की एट्थ टर्म निकालोगे उसका उल्टा करोगे, क्या बन पाए क्या क्या बोला उसने एपी का क्या था फॉर एचपी 1, 2 ये HP है तो इसका उल्टा करेंगे ना, पहले तो HP का डिफरेंस कुछ नहीं होता, HP का कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ नहीं होता, हम पहले से AP बनाएंगे 1, 1/2, अब दिस इज इन AP, इस AP का कॉमन डिफरेंस इज माइनस, आप बाद में मत करो एंड फर्स्ट टर्म इज 1, तो 8th टर्म क्या होगा T8 इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू d, मतलब 8 माइनस 1 तो 7 इनटू माइनस हाफ कितना आ गया माइनस 5/2, दिस इज द 8th टर्म ऑफ AP, तो इसका करस्पोंडिंग टर्म क्या होगा माइनस 2/5, 1/8 एकदम बढ़िया से हो रहा है पार्ट तुमने भी ना क्या किया था तुमने जैसी बात है आंसर गलत तो किया था लेकिन गलती में क्या गलत किया था कॉमन डिफरेंस क्या लिखा था तो वही लिखा था वही लिखा था उसको एक ही बार में लिखा था ना कॉमन अच्छा फिर तुम एट तब निकाला एट और उसको उल्टा कर दिया ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट क्लियर है ना ये ए उल्टा करके ए बी बनाओ ए बी का टर्म निकालो उसका फिर उल्टा कर दो
हारमोनिक अभी अपन जो हारमोनिक तीन पढ़ेंगे उसमें भी ऐसे करेंगे, पहले उसका ए बी ए एम निकालेंगे उसका उल्टा कर देंगे। जबकि जब देखो नेक्स्ट, लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म, लेट फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ अ गिवन एच पी आर, ढंग से लिखना एच पी का टर्म दे रहा हूँ ना कि ए पी का, फर्स्ट एंड फिफ्थ, थ्री एंड वन बाय सेवन, थ्री कॉमा वन बाय सेवन, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज फिफ्थ, एच पी का ए पी का नहीं, ठीक है ना। देन फाइंड द नाइन्थ टर्म, थ्री नाइन निकाल एंड क्लियर आर रिमाइंड यू, थ्री वन एंड थ्री फाइव आर टर्म ऑफ एच पी नॉट ए पी। फास्ट देखते हैं इसका पहले आंसर, सबसे पहले कैलकुलेशन फास्ट, उल्टा करो एपी के टर्म को इक्वेट करो, जनरल जनरल एचपी क्या बोलते हैं ये ऊपर लिखे भी दो, तो सी या तो डायरेक्टली यहीं से लिख दो, फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/8 एंड दैट इज 3 एंड फिफ्थ टर्म 1/8 + 4d एंड दैट इज 1/7। सॉल्व दिस इक्वेशन, अपने दो इक्वेशन के एक ये वो एक का वैल्यू मतलब इसमें उठा के डालो d निकालो, और फिर मेरे को जो पूछा है 1/8 + 4d का वैल्यू निकालो। इनका जो एम होगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द मिडिल टर्म इफ नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड,
तो देखो आप ओरली कर सकते हैं विदाउट पैन पेपर, देखना मतलब मान लिया एपी कंसीडर की इसकी करस्पॉन्डिंग एपी मतलब उल्टे करके, तो लेट्स सपोज एपी का टर्म इज एक्स, एक्स प्लस इसका उल्टा बाय टू इज इक्वल टू इसका उल्टा, तो माइंड में कैलकुलेट करो सही आ रहा है 41/3 आ रहा है, 14 माइनस 1/3 करेक्ट है, एक इक्वेशन से बस और कोई दिमाग नहीं लगा, 1/3 दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी प्लस लास्ट टर्म मान लिया मैंने एपी का, ये मैं एपी का मान रहा हूँ अभी जो मान रहा हूँ, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दैट एपी एंड दैट विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म ऑफ एपी एंड मिडिल टर्म ऑफ एपी इज 7 मॉरी क्लास ऊपर लग रही थी बच्चों वाला बोर्ड था, वो लकीली मतलब निकाल पा रहा है, लकीली मतलब वो काम ऐसे ऑब्जेक्ट यूर्स नोट करके लिखो, नोट पर एक पॉइंट लिख लो, लेट h1 h2 h3 लेट h1 h2 h3 डैश hn rn hp rn hp rn hp हार्मोनिक प्रोग्रेशन देन 1 अपॉन h1 1 अपॉन h2 1 अपॉन h3 डैश 1 अपॉन hn rn ap then prove that a1 a2 plus a2 a3 plus and so on an minus 1 into an last an minus 1 an this is equal to n minus 1 into a into an a1 into an a1 a2 plus a2 a3 plus a3 a4 plus a4 a5 and so on then an minus 1 into an we have to prove this is equal to n minus 1 into a1 into an and where a1 a2 a3 up to an are the terms in hp karo uske aadhar pe fir main note likhwaunga jo main likhwane wala tha
ऑफ टर्म्स लिखा है। देखो कि A1 इक्वल टू जनरेट कैसे होता है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर कैसे जनरेट होगा, किसमें आएगा हमारा। हुआ ये देखो ना, A1 into A2 कैसे जनरेट होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन AP सम कॉमन डिफरेंस क्या है। A2 minus A9 upon 70.
वही पढ़ रहा है ना, पहले नोट के अंदर ये सारी चीजें लिखा क्या था। अच्छा इसको जनरल लाइन को कट, एक यू में ब्रैकेट लिखा है, ये ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट, और एक जनरलाइज कर देते हैं ए वन या फिर ऐसे लिख लो ए के इंटू ए एन, कोई भी दो ले लिया दो का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का इसमें छोटा कौन सा मान लिया के छोटा है ए के माइनस ए एन, के छोटा मतलब सबस्क्रिप्ट छोटा है, नंबर तो छोटा बड़ा कुछ हो सकता है, सबस्क्रिप्ट नीचे वाला नीचे जाएगा एन माइनस के जनरलाइज होगा इतना, पहले नोट में लिखो उसका फिर दोबारा अटेंड करो उसको, मतलब इन जनरल मैं शॉर्ट मैंने नोट में क्या लिखूंगा कि टर्म्स प्रोडक्ट वी कैन एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स इन एचपी कैन बी कन्वर्टेड इन टू डिफरेंस ऑफ टर्म्स।
चलो पहले कर हाँ हो गया हटे लास्ट में तो लास्ट में तो है थोड़ा सा जाम चलो देखा जाए हेलो एवरीवन तो इसको A1 माइनस A2 एंड सब में इन इन देखिए जो सबस्क्रिप्ट है नीचे उनमें डिफरेंस 1 का है तो सब में D आएगा तो LCM लेने पे वो D रहा होगा ऐड कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को इधर A1 माइनस A3 इधर A2 माइनस A3 प्लस इधर A3 माइनस A4 एंड सो इधर आएगा An चलो इसका एक पहले वाला टर्म ले लो An माइनस 2 माइनस An माइनस 1 प्लस और ये वाला An माइनस 1 माइनस सॉरी A1 माइनस आता है देखो सही सॉल्व आ रहा है सिंपल है अब ये सारे कैंसिल हो गए यहाँ से ये बीच वाले सारे क्या बचा न्यूमरेटर में A1 माइनस अब इसी फॉर्मूले को उल्टा करके लगाते हैं डिफरेंस कैन बी एक्सप्रेस एंटर को पढ़े तो A1 माइनस AN जैसे मान लो मैंने इसी फॉर्मूले बोल रहा हूँ अगर मान लो मैं प्रोडक्ट लिखता A1 इंटू AN लिखता क्या लिखता A1 माइनस AN अपॉन N माइनस 1 इंटू डी ना तो अब मुझे ये सॉरी ये लिखना है तो N माइनस 1 इंटू डी इंटू दिस तो डी से डी कैंसिल वही आ रहे हैं देखो नेक्स्ट कॉपी हो गया देखो इफ थर्ड सिक्स एंड लास्ट टर्म ऑफ HP तीसरी छठवीं और लास्ट आर 1/3 1/5 एंड 3/203 इधर आ थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स
तो करूंगी हो जाएगा। 1/3 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ एचपी, ये थर्ड टर्म ना, तो एपी की टर्म क्या होगी? 3। 3 इज इक्वल टू ए प्लस 1/5 इज एचपी का सिक्स्थ टर्म, क्या सिक्स्थ है? सिक्स्थ। तो सिक्स्थ टर्म क्या होता है? ए प्लस 5d, दिस इज बी इक्वल्स टू 5। सॉल्व दीस टू इक्वेशंस टू गेट एंड और इजी है, डिफरेंस करो तो ये खत्म, एक बार ये आया आईडिया आ गया। एंड आफ्टर दैट उसने बोला ये कौन से नंबर की टर्म है, देख ये देख लेते एपी का कौन से नंबर का टर्म है, तो जनरल टर्म 203/3 tn इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, इधर से ये जो भी आएगा 5+ n - 1 इधर से जो भी d आएगा, ये वो d रखो n का वैल्यू ले 100। ठीक है, देखो नेक्स्ट ए आता है 5/3 और डी आता है 2/3। लिखो नेक्स्ट, इफ mth टर्म ऑफ ए एच पी, इफ mth टर्म ऑफ ए एच पी इज n, स्मॉल n, एंड mth term is n and nth term is m and nth term is small n, mth term n hui aur nth term m hui, theek hai na, then prove that m plus nth term, m plus nth term is mn upon m plus n, to prove पास करना, तो अगेन वेरी प्रोसीजर। आगे बढ़े, इतनी बार निकली पड़ा था आपका।
And here it is, extra corresponding AP ka term, 1 by n is equal to a plus, all the number ka term is nth term, so n minus 1. You have to solve for a and separate karo, you will get d, OS ka dalo, you will get a, a o d a gaya, uske baad m plus nth term, so AP ka m plus nth term kya hoga, a plus m minus 1 into इसका रेसिप्रोकल इन द आंसर रियाज क्या हुआ ये है ना आ रहा है लिखो नेक्स्ट इफ एबीसी आर इन एचपी इफ एबीसी आर इन एचपी If A, B, C are in HP, then show that A is to A minus B is equal to A plus C is to A minus C. A plus C is to A minus C. If A, B, C are in HP, we have to prove this. This to matlab A upon this is equal to A plus C upon A minus C. स्टार्ट करें तो मतलब क्या सोचना क्या चाहिए मतलब स्टार्ट क्या होगा इधर एलएचएफ ए और बी इन्वॉल्व है उधर ए और सी इन्वॉल्व है तो कोई भी एक काम कर सकते हैं या तो इधर से बी को खत्म करो तो अपने आप जो भी एक्सप्रेशन आएगा ए और सी में वो वैसे ही आएगा या फिर उधर से सी को खत्म करो इन टर्म्स ऑफ बी मतलब ए तो दोनों जगह दोस्तों मत छेड़ो या तो इधर बी को हटाओ इन टर्म्स ऑफ ए एंड सी तो जो भी सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन होगा उसके बराबर आ जाएगा तो वो क्या पर लिखवाएंगे ऐसे b is harmonic b is बोलते हैं 2ab 2b 2ab upon 2ac upon a plus c तो बड़े उसकी जरूरत है नहीं जरूरत मतलब वो आ जाएगा जैसे अपन ने इतना पढ़ा है उसके अंदर a b c x p में है तो 1 upon a 1 upon b 1 upon c आ रहा है 2 times बड़े ना 2 into 1 by b is equal to 1 by a plus 1 by c तो जैसे b आ जाएगा in terms of a and c that is 2 ac upon n plus c तो हमने उस तरह से n का लेंगे a और b upon n का लेंगे तो अपने आप लेता है n plus c upon n plus c क्वेश्चन टीचर a b c आर एन एचपी देन शो दैट दिस a b c आर एन एचपी देन प्रूव दिस A, B, C are in HP. So 1 by A, 1 by B, 1 by C are in AP. Twice of middle term, so it's not dugna. 2 by B is equal to 1 by A plus 1 by C. Now we basically 1 by B minus 1 by A, 1 by C minus 1 by B.
जगह से मेरा आएगा इस वाले क्वेश्चन से बी इज इक्वल टू टू ए सी अपॉन ए प्लस सी. आगे चल के भी पढ़ेंगे बी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी. जैसे अर्थमेटिक मीन होता है ए प्लस बी बाई टू, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी रूट ए सी. इसी प्रकार दिस इज टू ए सी अपॉन ए प्लस सी. तो बस इधर ये बी उठा के फिर रखो तो क्या लिखा है ए इसमें मतलब ए माइनस बी एंड बी इज टू ए सी अपॉन ए प्लस सी. Now just take LCM, that will be equal to this. Look at it, shut up. Sum of three numbers in HP is 37. If sum of three numbers in HP is 37 and the sum of their reciprocal is 1 by 4 and sum of their reciprocal is 1 by 4, find the numbers. Find the numbers. Sum of three numbers in HP is 37 and sum of their reciprocal is 1 by 4. Fast, you know, it's a problem.
बता देता हूँ इसमें, अगर a माइनस डी डी ए और a प्लस डी लोगे तो a का वैल्यू तो आ ही रहा है, डिफरेंशिएट दिख रहा है क्लियरली, रेसिप्रोकेट करके उल्टा लोगे तो उसका मास 3 a, 3 a इक्वल टू 1 बाय 4, तो a इज 1 बाय 12। और जो दूसरी इक्वेशन इंफॉर्मेशन क्या दे रखी थी हमें, सम ऑफ थ्री नंबर्स, हाँ उन तीनों का सम करोगे तो तुम्हारा डी का वैल्यू प्लस माइनस 1/60 आएगा, यू हैव टू टेक बोथ प्लस माइनस 1/60, ऑल्दो द आंसर विल कम सेम विद बोथ द कॉमन डिफरेंस, उल्टा हो जाएगा सीरीज में, बट डी का वैल्यू प्लस माइनस 1/60 आएगा, तो टर्म्स विल, तो फिर फाइनली हमारा आंसर आएगा 10, 12, 15 या फिर उल्टा 15, 12, 10, दैट डिपेंड्स हमने डी क्या लिया, नेगेटिव और पॉजिटिव, 10, 12, 15 इज द आंसर, द थ्री टर्म का 10, 12 एंड 15। क्लियर है, आगे बढ़े, लिखो एक काम करते हैं, इसमें से बुक में से देखते हैं, अगर मिडिल टर्म को मैंने डबल कर दिया, then the new numbers are in AP. Find the common difference of, sorry, common ratio of GP. दोबारा, अगर बीच के नंबर को डबल कर दिया, तो जो नया सीरीज बनेगा, that would be AP. The new numbers are in AP. You have to find the common ratio of GP. Thank you.
पर सही है, थोड़ा सा मैंने एक कुछ चीज बोली हुई
कर लेते हैं, ठीक है। शाम के लेक्चर मिलते हैं।